फ्रेंड दीपा जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देने आई हूँ एंड आई एम हियर टू यू नो कंग्रेचुलेट हर ऑन दिस न्यू वेंचर. और बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इन्होंने जो नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है विच इज़ वेरी अफोर्डेबल कैजुअल डिजाइनर वेयर, उसी को हम देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं. सबसे बेस्ट क्या लगा अभी तक आपने सारे अभी तक का बेस्ट? मुझे एक येलो चंदेरी का कुर्ता बहुत पसंद आया बिकॉज आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन, तो वो मुझे बहुत अच्छा. कैमरा को एज अ डिजाइनर क्या सजेस्ट करना चाहोगे और ये किस तरह के कपड़ों पर करना पसंद करते हो आप? जो कैजुअल लाइन है वो बहुत कम देखने मिलती है एक्सेप्ट फॉर दो तीन ब्रांड्स जो बहुत सारे मॉल्स में है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट कि यंग गर्ल्स को जो नॉट इन मेन स्ट्रीम सिटीज़ हो लेकिन दूर दूर के सिटीज़ में जो बेसिक क्लोथ्स पहनना चाहती हो, जो वर्किंग वुमेन हो, आई थिंक उनके लिए ये लाइन बहुत ही अच्छी है. अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, लोगों को क्या बताना चाहिए, किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए उनको? सी इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप वो कपड़े पहनिए जो जल्दी से वाटर अब्जॉर्ब ना करे. लाइट कपड़े कम पहनिए, केपरीज पहनिए, मैनेजेबल क्लोथ्स पहनिए. लॉट्स ऑफ लाइक्रा ब्रांड्स आर इन, तो अगर आप वर्किंग गर्ल्स हो या कॉलेज गर्ल्स हो तो आप वो तरह की ट्यूनिक्स पहन सकती है और केपरी पैंट्स पहन सकती है. आज आपको यहाँ सबसे अच्छा ड्रेस क्या लगा और किस तरह के ड्रेसेस आप पसंद करती है पहनना आपने लाइफ? एक्चुअली मैं इंडियन वेयर बहुत ही कम पहनती हूँ लेकिन इंडियन वेयर बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हूँ, तो आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं. मैंने सिर्फ एक ही रैक देखा है तो अभी हम देखेंगे और पसंद करेंगे कि हमको क्या सबसे अच्छा लगा है. आपकी क्या राय? आप हाँ ऑब्वियसली कपड़े हैं तो शॉपिंग तो होगी. मेरे हिसाब से हर पीस अलग है. दो देर आर नो टू पीसेस जो एक दूसरे जैसे हैं. एक एक इंडिविजुअल पीसेस है. तो आपको इनमें से कौन सा पीस ज़्यादा पसंद आता है और आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार के ड्रेसेस आके यहाँ से शॉपिंग करें या कुछ? जैसे एमी जी ने कहा था, डिज़ाइनर वेयर अफोर्डेबल लग्जरी, जिनको हाई लेवल डिज़ाइनर्स के क्लोथ्स अफोर्ड नहीं कर सकते बट मॉल्स की क्लोथ्स से बेटर, लेस ऑफ मैस प्रोडक्शन, वो ऐसे क्लोथ्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं. थैंक यू. आप सेंटर में आइए, आप देखिए इधर, पहले इधर देखिए मैडम, राइट पे लेफ्ट देखिए, पहले देखिए मैडम, पहले ये साइड, ये साइड मैम, राइट में, आप राइट में, राइट में, राइट में काट दो, काट दो, काट दो, काट दो, अभी इधर आइए, अभी पिक्चर कर लेते हैं. हां इधर आइए. लो देखो सर जी, बारिश का मौसम है, रिक्वेस्ट जी, ओके. बहुत ही कलरफुल कलेक्शन है इनका, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे फैब्रिक्स यूज किए हैं एंड मैंने भी खुद भी पहना हुआ है जिनिया का एक कलेक्शन में से एक ड्रेस. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू बी एबल टू इनॉग्रेट दिस एंड वी हैव गॉट दीपा जी हु कैन यू नो एंड आवर डिजाइनर एज वेल हु कैन टेल यू लॉट्स अबाउट इट बट वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आपके स्टाइल की बात करें तो आप नॉर्मल कुछ फंक्शन में क्या सोचते हैं कि ये प्रोग्राम है तो ऐसा ड्रेस पहनेंगे, ये है तो? मुझे इंडियन वेयर बहुत पसंद है बिकॉज आई थिंक इंडियन वेयर जो होता है हम इंडियंस पे सबसे ज़्यादा खिल के आता है हिंदुस्तानी लड़की पे. तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट दे हैव डिजाइंड एंड वेरी हैप्पी टू वेयर इट एंड आई थिंक मैं इस कलेक्शन में से कुछ चीज़ें लेके जाऊँगी जो मैं आगे अपने अलग अलग इवेंट्स में पहन सकूँ. कलर्स की बात करें तो कौन से कलर आपको बहुत पसंद आते हैं? मुझे ब्राइट कलर्स लाइक टर्कोइज और पिंक और लैवेंडर, इस तरह के कलर्स बहुत पसंद है एंड आई रियली लाइक दिस गोल्ड आल्सो व्हिच आई वाज गिवन, सो इट्स वेरी वेरी प्रिटी. आने वाले प्रोजेक्ट की बात करते हो, कौन से प्रोजेक्ट? मेरा फिल्म आ रही है देसी कट्टे, 12th सितंबर को रिलीज हो रही है, सो आई होप यू ऑल लाइक इट. उसके ट्रेलर्स शुरू हो गए हैं. क्या लग रहा है कि दो फिल्में आ गई पहले भी? अब वो तो पता चलेगा आई थिंक अगस्त के मिड वीक में जब ऑन एयर टीवी पे ट्रेलर्स आना शुरू होंगे. बट आई एम वेरी हैप्पी विद माय फिल्म एंड उसमें भी आई एम स्पोर्टिंग अ वेरी देसी लुक
So I was very happy to come here for this inauguration because it's definitely connected to my film Desi Katte and my look in Desi Katte. So it's all going very good. Kuch aur hai? Koi hai? Nahi? Thank you. Thank you. You guys should, I think, talk about... What Sasha's wearing, please tell us. Yeah. You know? I'll ask, can I ask? Yeah. Even what Sasha's wearing today, she looks lovely in this yellow outfit. Please tell us more about it, and Swati can add on to it. This is in silk. We are trying to maintain our lines in natural fibers, basically cotton and silk, or in cotton silk blends. And this particular outfit that she's wearing is a silk blend outfit. I think Swati will be able to give you more details about the embroideries that she's put on it. Yeah, it's kind of a hand embroidery, which we use a lot of resham and a flat embroidery so that it's not too protruding. And we've left it subtle and nice. Our creation is more in the lines of very subtle look within the ethnic wear. And our cuts are more basics and with nice and vibrant colors. Sasha, how are you feeling wearing this different outfit, because it has ratio, it's a different color and it's... I must say it's very comfortable because hum jab bhi koi fabric ya koi कपड़ा लेते हैं जो बहुत ही जिस या तो हैवी होता है या जिसपे बहुत काम होता है तो कभी कभार यू नो इट इचेज यू फील लिटिल अनकंफर्टेबल वेयरिंग इट बिकॉज फ्रॉम द इनसाइड देयर सो मच ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट थ्रेड या द फिनिश शी नोज मोर अबाउट दैट बट दिस वाज लाइक यू नो जस्ट आई जस्ट पुट इट ऑन एंड आई एम लाइक एक्चुअली स्विमिंग इन इट बिकॉज इट्स सो यू नो कंफर्टेबल टू वेयर डज नॉट फील इची और एनीथिंग सो Mostly, I must say, it's got lovely fabric. They've used very good quality of fabric. Do we see you shopping here today? Definitely, I will, for sure. Because I see some lovely turquoises over there and I'm definitely looking forward to getting them. Thank you. Thank you. Ma'am, over here. Madam, hold the camera. Thank you. चलो पीछे आ जाओ उसका पीछे ही है या मेरे लिए स्प्रिंटर ये तोड़ दो सारे तुम लोग इसमें भी गर्जी करते हो कभी तो हो गया बहुत अफिया हो मैं अभी तक ये राइट अभी तक यहाँ ये लुकिए हां 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 ये लुकिए हां